हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, यहाँ पे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स तरफ से यहाँ पे वैकेंसी निकल चुका है। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो दो वैकेंसी निकल के आ रहा है, एक कांस्टेबल है, एक SI है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आज इस वीडियो में बात करूँगा आपकी जो जोन वाइज वैकेंसी है वो कहाँ पे एग्जाम होने वाला है और आपको कहाँ पे अप्लाई करने से आपको फ़ायदा रहेगा, और ये जो SR, SWR, SCR ये सब क्या है, और ग्रुप में क्या है, ग्रुप ABCD ये सारे क्या है, आपको सारे जानकारी दे दूंगा। NR, NER, NWR, NCR ये सब क्या है, और ये जो अगर आप ग्रुप डी का मतलब ग्रुप का जो ABCD लिखा हुआ है को कहाँ पे अप्लाई करने से आपकी जो सिटी है, आपकी एग्जाम सिटी आपकी सिटी में रहेगा, वो सारे जानकारी मैं दे दूंगा। दोस्तों, ये जो सिटी वाइज जोन वाइज एग्जाम सेंटर मैं पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देख लीजिए। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, और बाजू में बेल आइकन होगा उसको भी जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे रेलवे का हर अपडेट आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों, मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, रेलवे का पल पल की अपडेट मैं यहाँ पे देता रहता हूँ। असिस्टेंट लोको पायलट ग्रुप डी RPF अभी वैकेंसी निकल चुका है, अगले आएगा जो TT आएगा, टिकट कलेक्टर, स्टेशन मास्टर, ये सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए तो अभी शुरू नहीं हुआ है, 1 तारीख से शुरू होने वाला है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आज जो जोनल वाइज हेडक्वार्टर कहाँ पे है और आपकी एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा और आपको कहाँ पे अप्लाई करने से फ़ायदा रहेगा, मतलब आपको ज़्यादा घूमना ना पड़े। तो आप अगर एग्जाम सेंटर आपकी खुद की सिटी में देना चाहते हो तो जरूर मैं पूरा डिस्क्राइब करने वाला हूँ। यहाँ पे जोनल वाइज वैकेंसी के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूँ, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या होगा, सारे वीडियो बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाकर देख सकते हो। नहीं तो आप मेरा चैनल को अपडेट कीजिए, आपकी चैनल को वीडियो के सेक्शन में जाके वहाँ पे देख सकते हो सारे रेलवे का इन्फॉर्मेशन, ओनली रेलवे का इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों, यहाँ पे बोलना चाहूँगा इसरो, DRDO, कई सारा अच्छा अच्छा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मैं रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करता हूँ। ये दोस्तों, यहाँ पे आपको भी पता होगा मैं भी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं आपको अच्छा सजेशन दे सकूँ कि ताकि आपकी एक एग्जाम क्रैक कर सको। तो चलिए दोस्तों, हम देख लेंगे वैकेंसी जो ग्रुप वाइज जब आपकी एप्लीकेशन डाला जाएगा ना, ये जोनल वाइज आपकी ऑप्शन मांगेगा। तो ए ग्रेड में जो ए ग्रुप में है जो SR, SWR, SCR, तो दोस्तों ये एक्चुअली SR, SWR, SCR ये है जोन। तो SR क्या है, साउदर्न रेलवे, SWR क्या है, साउथ वेस्टर्न रेलवे, SCR क्या है, साउथ सेंट्रल रेलवे। दोस्तों, यहाँ का हेडक्वार्टर मैं दिखा दूंगा आपको, SR मतलब साउदर्न रेलवे, मैं साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई। तो आपको जो एग्जाम सेंटर होने वाला है चेन्नई होगा, मदुरई होगा, यहाँ पे पालघाट होगा, तिरची होगा, त्रिवेंद्रम होगा, ये सारे जो है दोस्तों साउदर्न रेलवे में आएगा। और यहाँ पे आपकी चेन्नई और इतने सिटी जो बोला मैं वो सब में आपको एग्जाम होने वाला है। उसके बाद SWR, साउथ वेस्टर्न रेलवे। तो दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे के बात करें तो यहाँ पे देख लेते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न रेलवे, साउथ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है हुबली, मतलब आपकी बेंगलोर में एग्जाम होगा, मैसूरी में होगा, हुबली में होगा। तो दोस्तों, ये तीन सेंटर है आपको एग्जाम रखा जाएगा साउथ वेस्टर्न रेलवे, उसके साथ साथ साउथ सेंट्रल रेलवे। ये जो है साउथ सेंट्रल रेलवे ये सारे ग्रुप ए में आता है। साउथ सेंट्रल रेलवे के अभी देख लेते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के बात करें तो दोस्तों यहाँ पे सिकंदराबाद उसका हेडक्वार्टर है। जो एग्जाम सेंटर होने वाला है सिकंदराबाद, हैदराबाद, घंटेकाल, विजयवाड़ा, गुंटूर, ये सारे दोस्तों, ये जितना भी है आपकी एग्जाम सेंटर रहेगा साउथ वेस्टर्न रेलवे के लिए। ये ग्रुप ए का हो गया, आपके इसी के नज़दीक हो तो आप इसको अप्लाई कीजिए ग्रुप ए का। जैसे कि साउथ साइड में आप त्रिवेंद्रम से हो, चेन्नई से हो, या सिकंदराबाद से हो, हैदराबाद से हो, तो इसको ग्रुप ए को अप्लाई कीजिए। ग्रुप बी में बात करें तो सेंट्रल रेलवे SR,
सेंट्रल रेलवे, वेस्टर्न रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR, ये सारे दोस्तों जोन का शॉर्ट फॉर्म है। तो मैं आपको हेडक्वार्टर भी दिखा दूंगा और कहाँ पे एग्जाम सेंटर होने वाला है। CR सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे हम आते हैं सेंट्रल रेलवे का देख लेते हैं। सेंट्रल रेलवे जो हेडक्वार्टर है मुंबई होगा, तो मुंबई में आपकी नागपुर में होगा, मुंबई में एग्जाम होगा, भुसावाल में होगा, सोलापुर में होगा और पुणे में होगा, ये एग्जाम सेंटर यहाँ पे रखा जाएगा। उसके बाद दोस्तों वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे का कहाँ पे हेडक्वार्टर देख लेते हैं। वेस्टर्न रेलवे का भी मुंबई हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों वेस्टर्न रेलवे का वो भी मुंबई में वो ये एग्जाम होने वाला है। मुंबई सेंट्रल होगा, राजकोट, बड़ोदरा, अहमदाबाद, भुवन नगर, ये सारे एग्जाम सेंटर होने वाला है वेस्टर्न रेलवे का। फिर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे का दोस्तों जबलपुर का हेडक्वार्टर है। तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर होने वाला है, जबलपुर होगा, भोपाल होगा और कोटा होगा। तो यहाँ पे इतना सारा वेस्ट सेंट्रल रेलवे का है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे के बाद साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कहाँ पे एग्जाम होने वाला है, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, वो भी बिलासपुर का हेडक्वार्टर रहेगा। आपको नागपुर में एग्जाम होगा, बिलासपुर में होगा और रायपुर में होगा। ये था ग्रुप बी का जो चार हेडक्वार्टर है उसका एग्जाम सेंटर। दोस्तों उसके बाद सी में आएंगे, ईस्टर्न रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, साउथ ईस्ट रेलवे, ईस्ट कोस्ट रेलवे, ये सारे ईस्ट साइड में है। इसमें वैकेंसी की बात करें तो 1200 वैकेंसी है, अनरिजर्व 877 है। तो हम देख लेंगे इसी के बारे में। ईस्टर्न रेलवे तो आपको कोलकाता होगा, ईस्टर्न रेलवे देख लेते हैं। ईस्टर्न रेलवे दोस्तों कोलकाता है, आपको मालदा, हावड़ा, सियालदा और आसनसोल में एग्जाम होने वाला है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों हाजीपुर है, हाजीपुर है। तो इसका एग्जाम सेंटर कहाँ रहेगा, यहाँ पे दानापुर, धनबाद, सोलापुर, मुगलसराय, सम्राटीपुर, ये सारे एग्जाम सेंटर रहेगा आपकी ईस्ट सेंट्रल रेलवे का। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट रेलवे, साउथ ईस्टर्न रेलवे का देख लेते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे का भी दोस्तों हेडक्वार्टर रहेगा आपको कोलकाता। साउथ ईस्टर्न रेलवे ये देख सकते हो कोलकाता में खड़गपुर रहेगा, चक्रधरपुर रहेगा, आधार रहेगा और रांची रहेगा इसका एग्जाम सेंटर। आप अगर साउथ साइड से, सॉरी साउथ नहीं, ईस्टर्न साउथ से, ईस्टर्न साउथ और ईस्ट कोस्ट रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ईस्ट कोस्ट का भुवनेश्वर हेडक्वार्टर रहेगा। ईस्ट कोस्ट में भी आपको तीन चार जगह एग्जाम सेंटर होने वाला है। ये खोर्धा रोड एक रहेगा और भुवनेश्वर रहेगा, कटक रहेगा और वाल्टियर जो है वो विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम रहेगा और संबलपुर रहेगा। ये सारे ओडिशा में आएगा और आंध्र में आएगा। ये जो ग्रुप सी का हो गया। उसके बाद ग्रुप डी दोस्तों, ग्रुप डी का ये क्या है, नॉर्दर्न साइड में। आप अगर नॉर्दर्न साइड से हो तो ग्रुप डी को अप्लाई कीजिए, मतलब ग्रुप डी नहीं, RPF का ग्रुप डी जो है वो अप्लाई कीजिए। उसका टोटल वैकेंसी है 1046, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। हम देख लेंगे नॉर्दर्न रेलवे का कहाँ पे आपकी एग्जाम सेंटर होने वाला है। नॉर्दर्न रेलवे दोस्तों यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली होगा। तो न्यू दिल्ली में सारे सेंटर रहेगा न्यू दिल्ली साइड से। और यहाँ पे न्यू दिल्ली में अमली, फर्जीपुर और लखनऊ, ये पे यहाँ सारा एग्जाम सेंटर होने वाला है। उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे भी है। यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ ईस्टर्न कहाँ है वो देख लेते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे दोस्तों हेडक्वार्टर गोरखपुर है। आप अगर गोरखपुर साइड से हो, यूपी साइड से हो, लखनऊ, वाराणसी, ईटानगर, अगर आप उस साइड से हो तो इसको अप्लाई कर सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे को। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे दोस्तों जयपुर है। जयपुर मतलब राजस्थान साइड से हो तो आप इसको जोधपुर, जयपुर और अजमेर, इस साइड से हो तो आप इसको अप्लाई कीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को। उसके साथ साथ नॉर्थ सेंट्रल रेलवे,
एनसीआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का इलाहाबाद हेडक्वार्टर रहेगा। इलाहाबाद, झांसी, आगरा इस साइड से हो तो आप इसको नॉर्थ साइड से ग्रुप डी का अप्लाई कर लीजिए। ग्रुप ई है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे। यहाँ पे फ्रंटियर रेलवे का देख लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे दोस्तों गुवाहाटी है। गुवाहाटी मतलब आपको हिमाचल प्रदेश साइड से आ जाते हैं, तो उस साइड से आप अगर हो तो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, सॉरी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, ये जो ग्रुप ई को अप्लाई कीजिए। और जो RPFS SF उसका तो कोई जोन नहीं है, आप इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन दोस्तों, आप कहाँ से अप्लाई करने बेस्ट रहेगा और कहाँ कहाँ से कितना वैकेंसी है, ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा। दोस्तों आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है RPF को लेके, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए और मैं उसका लिए उसके लिए स्पेशली वीडियो बनाऊंगा सबके लिए। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो RPF का कुछ अपडेट न्यूज या कुछ जानकारी नहीं पता चल रहा है तो आप सारे मुझे कमेंट दीजिए। दोस्तों ये था छोटा सा इन्फॉर्मेशन। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।